हेलो दोस्तों, नमस्ते आदाब, वेलकम बैक आपके फेवरेट मूवी रिकैप चैनल सिनेमा कैफे में। आप सभी दोस्तों का फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं 1968 में रिलीज हुई फिल्म रोजमेरीज बेबी की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जो रोमन पोलांस्की द्वारा लिखित और निर्देशित है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए कहानी शुरू करते हैं। न्यूयॉर्क शहर, फॉल ऑफ 1965। रोजमेरी और गाय वुडहाउस एक युवा विवाहित जोड़े हैं जो मैनहट्टन के एक बहुत ही भव्य गॉथिक इमारत में एक अपार्टमेंट किराए पर लेते हैं जिसका नाम ब्रैमफोर्ड बिल्डिंग होता है। अपने मौजूदा अपार्टमेंट में शिफ्ट करने से पहले उनके दोस्त और वर्तमान जमींदार एडवर्ड हच उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश करते हैं। वो उन्हें बोलता है कि ब्रैमफोर्ड बिल्डिंग का अतीत बहुत ही खराब है और इस बिल्डिंग में पुराने जमाने में नरभक्षी किलर्स, शैतान की पूजा करने वाले और विचक्राफ्ट करने वाले लोग पहले रह चुके हैं, जैसे कि ट्रेंट सिस्टर्स, कीथ कैनेडी, पर्ल एम्स और सबसे खतरनाक एड्रियन मार्काटो, जिन्होंने 1890 के दशक के अंत में एक स्कैंडल किया था और दावा किया था कि उसने सैतान की पूजा करके किसी शैतान को जीवित कर दिया है। इन सब कहानियों को ज्यादा सीरियसली ना लेते हुए गाय और रोजमेरी ब्रैमफोर्ड बिल्डिंग में अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। गाय पेशे से एक अभिनेता है मगर इंडस्ट्री में बहुत ही नया है और उसका करियर अभी ठीक से उभरा भी नहीं है। उसने टीवी पे बहुत सारे प्लेज और विज्ञापन किए हैं जिनसे उसे अच्छी कमाई हुई है, लेकिन वो और बेहतर किरदार करना चाहता है। रोजमेरी एक जवान औरत होते हुए भी बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह है। वो एक बहुत ही कोमल और चुलबुली टाइप की लड़की है जो मूल रूप से ओमाहा नेब्रास्का की रहने वाली है। वो एक यंग हाउसवाइफ है जो अपने पति के लिए एक अच्छा घर संसार बनाने के लिए पूरी तरह से समर्पित है और जिसे वह अपने जान से भी ज्यादा प्यार करती है। लॉन्ड्री रूम में रोजमेरी की मुलाकात एक दिन युवा लड़की टेरी जिनोफ्रियो के साथ होती है, जो रोजमेरी को बताती है कि वो पहले एक ड्रग एडिक्ट थी और न्यूयॉर्क की सड़कों पर नशे में धुत पड़ी रहती थी, मगर उसको एक दिन एक बहुत ही बुजुर्ग मगर सनकी टाइप के दंपत्ति जोड़े रोमन कास्तेवित और मिनी कास्तेवित ने सहारा दिया था। तब से वो उन्हीं के साथ उनके अपार्टमेंट में एक बेटी की तरह रहती है। कास्तेवित्स का अपार्टमेंट पहले रोजमेरी और गाय के अपार्टमेंट का सामने का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब एक पार्टीशन द्वारा अलग कर दिया गया है। टेरी के साथ रोजमेरी की दोस्ती ज्यादा दिन नहीं टिक पाती है। रोजमेरी से मिलने के कुछ दिन बाद ही टेरी अपने अपार्टमेंट की खिड़की से छलांग लगाकर सुसाइड कर लेती है। रोजमेरी और गाय अपने घर वापस लौट रहे थे जब वे टेरी की लाश के आसपास पुलिस को देखते हैं। संयोग से उसी टाइम कास्तेविस दंपत्ति भी घर वापस लौट रहे थे। टेरी की लाश को देखकर वो थोड़ा परेशान होते हैं मगर कुछ खास दुखी नहीं होते हैं। उनकी मुलाकात रोजमेरी और गाय से होती है और दोनों परिवारों में बातचीत शुरू हो जाती है। अगले दिन मिनी कास्तेवित रोजमेरी के अपार्टमेंट में आती है और उसे और उसके पति को डिनर के लिए आमंत्रित करती है। रोजमेरी को अपने नए बुजुर्ग दोस्तों के ऊपर थोड़ा शक होने लगता है, खासकर जिस तरह से रोमन कास्तेवित उसके पति गाय के साथ हमेशा प्राइवेट में बात करना चाहता है। कुछ और चीजें भी रोजमेरी को परेशान करती हैं, जैसे कि जब गाय का करियर कास्तेवित दंपत्ति से मिलने के बाद अचानक से पटरी पर आ जाता है, खासकर तब जब गाय का मुख्य प्रतिद्वंदी डोनाल्ड बॉमगार्ट अचानक से अंधा हो जाता है और फिल्म में उसका प्रमुख रोल गाय को मिल जाता है। अब गाय बस अपने नए फिल्म में पाए रोल के बारे में दिन रात सोचने लगता है और रोजमेरी को नजरअंदाज करता है, लेकिन फिर अचानक से एक दिन गाय फैसला करता है कि वह पिता बनना चाहता है। रोजमेरी खुशी के मारे पागल हो जाती है। गाय रोजमेरी को बोलता है कि आज की रात ही वो स्पेशल रात होगी जब वो बेबी करने की प्रक्रिया करेंगे। उसी शाम मिनी कास्तेवित उनके अपार्टमेंट में आती है और दोनों को चॉकलेट मूस का एक ड्रिंक बना के देती है। रोजमेरी उसे थोड़ा पीती है और बोलती है कि ड्रिंक से कुछ अजीब तरह की स्मेल आ रही है। इस बात पर गाय गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि उनका शुक्रिया अदा करने के बजाय हम उनकी गलतियां निकाल रहे हैं। खैर, रोजमेरी चॉकलेट मूस का कुछ हिस्सा पीती है और फिर अपनी नैपकिन में बाकी चॉकलेट मूस को छुपा लेती है। डिनर के बाद अचानक से रोजमेरी को चक्कर आने लगते हैं और वो गहरी नींद में चली जाती है। उसे बहुत ही भयानक और अजीब टाइप का सपना आता है। वो देखती है कि वो अपने बेड पे ही लेटी समंदर के ऊपर हवा में तैर रही है। फिर वो देखती है कि वो किसी शिप में है। इसी तरह उसे एक के बाद एक अजीब अजीब सी चीजें दिखने लगती है। फिर अचानक से उसे गाय की आवाज सुनाई देती है जो कहीं से किसी को बोल रहा होता है, आराम से, तुमने उसे कुछ ज्यादा ही नशे में कर दिया है। इसके बाद वो और भी अजीबोगरीब चीजें सपने में देखती है। वो देखती है कि वो एक जलते हुए चर्च के बगल से गुजर रही है। फिर अचानक से वो देखती है कि वो एक बेड पे लेटी हुई है और बहुत सारे नंगे बूढ़े लोग उसे चारों तरफ से घेरे हुए हैं और दो लोग उसे बेड से बांध रहे हैं।
उसके अजीबोगरीब सपनों का सिलसिला जारी रहता है और फिर वो देखती है कि गाय उसके नजदीक आ रहा है। मगर तभी एक भयानक टाइप का जीव जो कि इंसान की तरह नहीं लगता रोजमेरी का सपने में ही यौन शोषण करता है। रोजमेरी सपने में ही चीख उठती है, ये सब कोई सपना नहीं, ये सब सच में हो रहा है। इसके बाद भी रोजमेरी के सपनों का कारवा चलता ही रहता है। काफी टाइम बाद जब आखिरकार सुबह रोजमेरी की नींद खुलती है, वो देखती है कि उसके शरीर पे कुछ खरोंचों के निशान हैं। गाय उसके पास खुशी खुशी आता है और बोलता है कि रोजमेरी रात को इतनी थक गई थी कि वो सो गई, मगर उसने रात बेकार नहीं जाने दी और बच्चा करने की प्रक्रिया रोजमेरी के साथ नींद में ही कर डाली। इस पे रोजमेरी बहुत गुस्सा होती है और बोलती है कि क्या वो सुबह तक वेट नहीं कर पाया। गाय उससे माफी मांगता है और बोलता है कि नहीं, उसे रात को ही करना था और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। खैर, इस घटना को 9 महीने बीत जाते हैं और उनके रात का प्रयास सफल होता है। रोजमेरी के पास डॉक्टर का फोन आता है जो कंफर्म करता है कि रोजमेरी प्रेग्नेंट है और मां बनने वाली है। रोजमेरी के प्रेगनेंसी की खबर सुनने के बाद कास्टेविट्स दंपत्ति उनको डॉक्टर अब्राहम सैपरस्टीन के पास जाने के लिए राजी करते हैं और बोलते हैं कि अब उसे अपने पहले गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर हिल के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर अब्राहम सैपरस्टीन न्यूयॉर्क के सबसे फेमस डॉक्टर्स में से एक हैं जो कि शहर के सबसे अपर क्लास के लोगों के बेबीज़ को डिलीवर करते हैं। रोजमेरी अपने नए डॉक्टर के साथ मिलती है और उनकी देखरेख में आ जाती है। रोजमेरी जब उनसे अपनी प्रेगनेंसी की दवाइयों के बारे में पूछताछ करती है तो डॉक्टर उसे बहुत ही अजीब टाइप की सलाह देता है। वो बोलता है कि रोजमेरी को किसी भी तरह का कोई भी विटामिन टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है, वो बस मिनी कैस्टेविट द्वारा दिए गए शेक को रोज पीती रहे जो कि दुर्लभ जड़ी बूटियों और टैनिस रूट नाम के किसी पौधे के जड़ का मिश्रण है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा उपकारी है। रोजमेरी को अपने प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने अपने पेट में बहुत ज्यादा दर्द का अनुभव होता है, यही नहीं उसका वजन भी काफी कम हो जाता है। एक बात जो रोजमेरी को सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये कि उसके पेट के दर्द को कोई भी सीरियसली नहीं लेता है, ना तो कास्टेविट दंपत्ति, ना तो डॉक्टर अब्राहम सैपरस्टीन, ना ही कि उसका पति गाय। सब ये बोल के टालते रहते हैं कि प्रेगनेंसी के पहले तिमाहे में इस टाइप का दर्द और वेट लॉस बहुत ही नॉर्मल है और कुछ दिन में वो ठीक हो जाएगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे जैसे रोजमेरी की गर्भावस्था बढ़ती जाती है उसके अंदर एक डर और दबे हुए क्रोध की भावना धीरे धीरे हावी होने लगती है, खासकर शायद इसलिए भी क्योंकि उसका कोई भी करीबी उसके पेट के बढ़ते हुए दर्द को सीरियसली नहीं लेता है। रोजमेरी के दोस्त और पहले मकान मालिक हच एक दिन रोजमेरी से मिलने उसके नए अपार्टमेंट में आते हैं और रोजमेरी की हालत देख के अचंभित हो जाते हैं। मिनी कास्टेविट्स हच को रोजमेरी के घर आते देख लेती है और शायद अपने घर जाके गाय को फोन कर देती है, क्योंकि कुछ ही टाइम बाद गाय अपना काम काज छोड़कर घर भागता भागता आ जाता है। हच रोजमेरी और गाय से उसके प्रेगनेंसी और उसके पड़ोसियों के बारे में बहुत से सवाल पूछता है और बोलता है कि वो रोजमेरी की तबीयत को लेकर बहुत ही चिंतित है। हच जब उनके घर से जाने लगता है उसे एहसास होता है कि उसकी एक हाथ की दस्ताने गायब है। कुछ दिनों बाद रोजमेरी को पता चलता है कि हच को कोई रहस्यमय बीमारी हो गई है और वो गहरी कोमा में चला गया है। ऐसे ही दिन कटते रहते हैं और एक दिन रोजमेरी अपना दिमाग हल्का करने के लिए अपने यंग फ्रेंड्स के लिए एक पार्टी देने का फैसला करती है और अपने पति को साफ साफ बोल देती है कि ये पार्टी बस यंग लोगों के लिए है और कोई भी बुजुर्ग इंसान इस पार्टी में नहीं आएगा, खासकर उनके पड़ोसी कास्टेविट्स दंपत्ति। पार्टी में रोजमेरी अपने फ्रेंड्स के सामने टूट के रो पड़ती है। उसके फ्रेंड्स रोजमेरी को बोलते हैं कि उसकी हालत बहुत ही खराब लग रही है और उसका दर्द बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रहा है, और ये जान के हैरान होते हैं कि कोई भी रोजमेरी के दर्द को सीरियसली नहीं ले रहा है, यहां तक उसका पति और डॉक्टर भी। वो रोजमेरी को बोलते हैं कि उसे एक नया डॉक्टर देखना होगा। पार्टी के बाद रोजमेरी अपने पति गाय से एक नए डॉक्टर के साथ सलाह मशवरा करने की बात बोलती है तो उसका पति भड़क उठता है और बोलता है कि उसे डॉक्टर अब्राहम सैपरस्टीन को ही दिखाना पड़ेगा। अचानक से लड़ते लड़ते रोजमेरी बोलती है कि उसके पेट का दर्द बंद हो गया है और वो अपने बच्चे को फील कर पा रही है। और तो और कुछ महीनों बाद रोजमेरी को हच के मौत की खबर पता चलती है। उसके फ्यूनरल में हच की एक रिश्तेदार रोजमेरी को एक बुक देती है और बोलती है कि मरने से पहले हच कोमा से कुछ घंटों के लिए जागा था और जागते ही उसने आपको ये पार्सल देने की गुजारिश की थी। अपने घर आके रोजमेरी बुक को ठीक से देखना शुरू करती है और पाती है कि वो किताब प्राचीन काल के चुड़ैलों और काले जादू के विद्या के बारे में है। किताब का नाम होता है ऑल ऑफ देम विचेस, अ स्टडी ऑन विचक्राफ्ट थ्रू द एजेस। वो किताब पढ़ना शुरू करती है और पाती है कि उसमें एक चैप्टर एड्रियान मार्काटो के बारे में भी है, वही एड्रियान मार्काटो जिसके बारे में हच ने उन्हें बोला था, जिसने पुराने काल में एक बार शैतान को जीवित करने का दावा किया था।
किताब में एड्रियन मर्काटो के बेटे स्टीवन मर्काटो के बारे में भी लिखा होता है। रोजमेरी की मदद के लिए हच ने एक आखिरी क्लू भी किताब में दिया होता है, वो ये कि बेटे का नाम एक एनाग्राम है। बस फिर क्या, रोजमेरी को वैसे भी स्क्रैबल खेलने की आदत होती है। वो जब अपने स्क्रैबल टाइल्स के सहारे खोजबीन शुरू करती है, वो पाती है कि रोमन कैस्तविथ स्टीवन मर्काटो नाम का एनाग्राम है। रोजमेरी का दिमाग खराब हो जाता है और वो ये शक करने लगती है कि रोमन कैस्तविथ, मिनी कैस्तविथ और उनके सारे दोस्त सभी सैटान की पूजा करते हैं और विचक्राफ्ट भी करते हैं। वो डॉक्टर इब्राहिम सेपेस्टिन के पास जाती है और बोलती है कि वो कैस्तविथ दंपत्ति के साथ अपने सारे रिश्ते नाते उसी दिन से तोड़ना चाहती है। कुछ दिनों बाद रोजमेरी को पता चलता है कि रोमन कैस्तविथ किसी बीमारी से मर रहा है और मरने से पहले वो यूरोप की यात्रा करना चाहता है। ये सुनकर रोजमेरी को बहुत बुरा लगता है और इतने बुजुर्ग दंपत्ति पे शक करने के लिए खुद को दोषी महसूस करती है और उनके यूरोप जाने से पहले उन्हें प्यार से विदा करती है। मगर जैसे रोजमेरी को लग रहा होता है वैसा कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे उसके डिलीवरी का डेट 28 जून 1966 नज़दीक आता रहता है, रोजमेरी के दिमाग में एक के बाद एक परेशान करने वाले सवाल उठते रहते हैं। क्या ये हो सकता है कि उसका पति गाय, जिससे वो इतना प्यार करती है, इन सब चीज़ों में उसका भी हाथ है? हच के दिए हुए किताब से उसे पता चलता है कि काला जादू करने वाले लोग हमेशा नन्हे बच्चों का अपनी क्रिया में इस्तेमाल करते हैं। क्या ये संभव है कि गाय ने अपनी सफलता के बदले उन्हें अपना बच्चा देने का डील किया है? रोजमेरी को ये भी पता चलता है कि लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए काले जादू में हमेशा पीड़ित व्यक्ति के किसी चीज़ का इस्तेमाल होता है। अपने मन की आवाज़ को सुनते हुए रोजमेरी गाय के पूर्व प्रतिद्वंदी डोनाल्ड बॉमगार्ट को फ़ोन करती है, जो अचानक से अंधा हो गया था। डोनाल्ड उसे बोलता है कि अंधा होने से पहले गाय और डोनाल्ड ने एक दूसरे के साथ अपने टाइज एक्सचेंज किए थे। उसे यह भी याद आता है कि कोमा में जाने से पहले हच ने अपने एक हाथ की दस्ताने भी खो दी थी। ये सब सोच के और सुन के रोजमेरी का दिमाग चकराने लगता है। बुरी तरह परेशान रोजमेरी एक सूटकेस पैक करती है और डॉक्टर इब्राहिम सेपेस्टिन के पास पहुंच जाती है। डॉक्टर के चेंबर के बाहर वेट करते हुए उसके असिस्टेंट से रोजमेरी की बातचीत शुरू हो जाती है, जो उसे बताती है कि डॉक्टर सेपेस्टिन एक परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं जिससे बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है, जो कि उसे पता चला है कि टैनिस रूट नाम की किसी चीज़ से बना हुआ है। ये सुनकर रोजमेरी को याद आता है कि मिनी कैस्तविथ भी उसे जो शेक पीने के लिए देती थी उसमें वो टैनिस रूट नाम के किसी जड़ी बूटी का इस्तेमाल करती थी। रोजमेरी को चक्कर आने लगते हैं और वो अपना सूटकेस लेके जैसे तैसे वहां से भागती है, ये सोचते हुए कि शायद डॉक्टर सेपेस्टिन भी इस पूरे षड्यंत्र में उसके खिलाफ शामिल है। रोजमेरी बाहर जाके एक फोन बूथ से जैसे तैसे डॉक्टर हिल को फोन करती है और उसे बस एक बार मिलने की गुजारिश करती है। डॉक्टर हिल से मिलके वो दिल खोल के अपनी सारी बात बताती है कि कैसे कैस्तविथ दंपत्ति, डॉक्टर इब्राहिम सेपेस्टिन, यहाँ तक कि उसके खुद के पति गाय वुडहाउस सब मिलके उसके ऊपर धीरे धीरे काला जादू कर रहे हैं ताकि वो उनका बच्चा हत्या सके। डॉक्टर हिल बहुत ही सीरियसली उसकी पूरी बात सुनता है और बोलता है कि वो उसकी मदद ज़रूर करेगा और रोजमेरी को एक कमरे में जाके आराम करने के लिए बोलता है। अपनी चिंताओं के बोझ को हल्का करके रोजमेरी चैन की सांस लेती है और कुछ घंटों के लिए उसकी आँख लग जाती है। जब वो नींद से जागती है, वो देखती है कि डॉक्टर इब्राहिम सेपेस्टिन और उसका पति गाय उसके पास उसे वापस घर ले जाने के लिए आ गए हैं। दोनों लोग मिलकर रोजमेरी को जबरदस्ती घर वापस ले जाते हैं, मगर ब्रैमफोर्ड बिल्डिंग पहुंच के वो किसी तरह भागते हुए उनसे पहले अपने अपार्टमेंट के अंदर पहुंच जाती है और दोनों को बाहर लॉक कर देती है। पर इससे पहले कि रोजमेरी किसी को फोन करके मदद की गुहार लगा पाती, अचानक से किसी गुप्त रास्ते से गाय और बाकी और लोग अपार्टमेंट के अंदर घुस आते हैं। रोजमेरी बेचारी पागलों की तरह मदद के लिए चीखने लगती है और उसी वक्त उसका लेबर पेन भी शुरू हो जाता है। रोजमेरी पागलों की तरह इधर उधर छटपटाने लगती है, मगर तभी डॉक्टर सेपेस्टिन आके उसे एक बेहोश करने वाला इंजेक्शन दे देता है। काफ़ी घंटों बाद जब रोजमेरी अपनी गहरी नींद से जागती है, गाय उसे बोलता है कि उसे एक लड़का हुआ है और वो पूरी तरह से ठीक है। मगर फिर कुछ घंटों बाद डॉक्टर सेपेस्टिन उसके पास आता है और बोलता है कि उसका लड़का मर गया है। रोजमेरी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। जैसे जैसे दिन बीतने लगते हैं, वो देखती है कि वहाँ पर मौजूद लोग उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं और उसे नियमित तौर पर दवाइयाँ भी दे रहे हैं। यही नहीं, वो रोज़ रोजमेरी का मिल्क इकट्ठा करके कहीं ले जाते हैं। एक दिन रोजमेरी को अपने अपार्टमेंट की दीवार के दूसरी तरफ से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। रोजमेरी को समझ में नहीं आता कि ये सही में किसी बच्चे की आवाज़ है या उसका दिमाग उसके साथ खेल खेल रहा है। अब वो धीरे धीरे सोचने लगती है कि शायद उन लोगों ने उसके बच्चे को अपहरण कर लिया है ताकि वो अपने काले जादू के लिए उसके बेटे की बलि दे सकें।
कुछ दिनों तक रोजमेरी ऐसे ही बेड पे पड़े पड़े आराम करने का नाटक करती रहती है। एक रात अचानक से वो अपने बेड से उठती है और किचन में जाके एक बहुत ही बड़ा खंजर लेके अपने अपार्टमेंट और कैस्टेविस दंपत्ति के अपार्टमेंट के पार्टीशन का गुप्त रास्ता खोज निकालती है। ये वही गुप्त रास्ता होता है जहाँ से बाकी लोग घुस आए थे जब उसने गाय और सैपरस्टीन को बाहर लॉक कर दिया था डॉक्टर हिल के चेंबर से वापस आने के बाद। गुप्त रास्ते से जाते हुए वो एक पेंटिंग देखती है जिसमें एक चर्च जल रहा होता है। ये वही दृश्य होता है जो उसने अपने सपने में देखा था। रोजमेरी हाथ में खंजर लिए आगे बढ़ती रहती है और आखिरकार कैस्टेविस दंपत्ति के अपार्टमेंट में घुस जाती है। उनके लिविंग रूम में आकर वो देखती है कि दीवार पर एड्रियन मार्काटो का बहुत बड़ा पोर्ट्रेट लगा हुआ है। वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें वो पहचान नहीं पाती है। दूर दूर से लोग, यहाँ तक कि जापान से भी, किसी तरह का जश्न मना रहे होते हैं। वो देखती है कि काले पर्दों के एक बच्चे का पालना रखा हुआ है। वो अंदर झांके देखती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मगर गौरतलब है कि वो बिल्कुल भी नहीं डरती और बड़े आराम से सबसे पूछती है कि इस बच्चे की आंखें ऐसी क्यों हैं। तब जाके रोमन कैस्टेविस उर्फ स्टीवन मार्काटो कहीं से प्रकट होता है और बोलता है कि इस बच्चे की आंखें उसके बाप की तरह है। और ये सुनकर रोजमेरी बोलती है कि गाय की आंखें तो ऐसी नहीं है। इस पे रोमन कैस्टेविस जोर से ये ऐलान करता है कि गाय नहीं, सैतान इस बच्चे का बाप है। गाय रोजमेरी को बोलता है कि उसने इन काला जादू करने वाले लोगों के साथ अपने करियर के लिए डील किया था। ये सुनकर रोजमेरी गाय के मुंह पे थूक देती है और एक चेयर पे थकी हारी बैठ जाती है। मिनी कैस्टेविस उसके लिए चाय लाती है और रोमन कैस्टेविस अब रोजमेरी से बहुत ही इज्जत से और आराम से बोलता है कि तुम्हें हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर तुम चाहो या ना चाहो तुम ही इस बच्चे की माँ हो, इसलिए अपने माँ होने का फ़र्ज पूरा करो। पहले तो रोजमेरी थोड़ा हिचकिचाती है मगर फिर उसके अंदर ममता जाग उठती है और फिर सैतान और अपने बेटे के पालने को धीरे धीरे हिलाते हुए लोरी सुनाने लगती है और इसी के साथ फिल्म का दी एंड हो जाता है। अगर आपके पास फिल्म को लेके कोई सवाल या डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको रिव्यू एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन मूवीज़ की रिक्या वीडियोज़ लाता रहूँगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए मूवी और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।